ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂਗੇ। ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਆਤੇ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਬੀਵੀ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਤੇਰੀਆ ਮੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਕਹੋ ਜੀ ਇਧਰ ਸੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਤੀ। बच्चों की वजह से इन्होंने टेंशन ली, वो टेंशन ऐसी ली कि आखिरी बच्चा जब ज़ाया हुआ ना तो वो पूरे दिनों का ज़ाया हुआ। पहले तो 6 महीने में हो जाते थे, अब तो पूरा 9 महीने 4 दिन के बाद, तो उसका एकदम झटका लगा ना। हमारा कहना ये मानती थी, हम इनका मानते थे, और फिर भी प्यार ही प्यार हो गया। शादी यहाँ करके 4 दिन बाद हम कराची चले गए थे। वर्कशॉप थी उस वक्त चलता था, खान सही कमाते थे हम। जब ये बीमार हुई तो छोड़ना पड़ा, सारा दिन ही यही ले करते रहते थे, रोटी खिलानी है, दवाई देनी है, इसका कंघा करना है, तेल लगाना है, सुरमा है, हैं जी, कपड़े करने हैं, धोने हैं, खाना पकाना है। हम तो मर्द की जगह औरत बन गए, खिदमत करने वाली। हम रहते भाने में है, उसके अंदर एक कमरा है, अभी 2 साल से उसकी छत गिर गई है, अभी फिलहाल हम बाहर सोते हैं। 2-4 भाइयाँ हैं जी, एक पे सामान रखा रहता है, एक पे सोते हैं, अगर बारिश आ जाए तो ऊपर छापर ले लेते हैं। मैं इस टाइम जो है कपड़े के साथ नहाते हैं, क्योंकि नंगे होने की जगह नहीं है कपड़े उतारने की, मजबूरी के तहत गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पास हो गया फर्स्ट क्लास, अब सर्दियां गुजरने वाली हैं। इनका कोई पता नहीं चलता कब तबीयत गड़बड़ हो जाए, तो इसीलिए साथ रहना हमारी मजबूरी भी है और रोज़गार भी साथ चल रहा है। नाश्ता नाश्ता करके हम कोई 11-12 बजे निकलते हैं, होटल में एक प्लेट ली और गुजारा कर लिया दोनों ने। अगर 300 खर्चा है तो 400 कमा के घर बैठ जाते हैं। घरवाली साथ रहती है। अच्छा, बास जो खरान किस्म की बुढ़िया होती है ना, वो देखती हैं भाई यार ये पता नहीं क्यों क्यों लगाया हुआ है, क्या है, बीमार है, तो हम इसके साथ नहीं बैठते। और जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो उल्टा जो है मोहब्बत करते हैं। वालदा भी कहते थे, यार दोस्त कहते थे, रिश्तेदार कहते थे, बस जो जालिस होते थे इनसे वो कहते थे कि शादी कर लो। लेकिन अल्लाह पाक ने लाखों में एक दी है मुझे बीवी। कभी बच्चा ज़ाया होता था ना जब नशे का इंजेक्शन लगाते थे, तो कहते थे कि ओ बड़े मियाँ आओ आओ भाग के आओ, आपकी लड़की होश में आ गई है, अपनी उम्र से 20 साल छोटी लगती है। कोशिश यही है कि ज़रा सा और अच्छा हो जाए, छत को लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, वो छत डल जाएगी तो ज़रा कुछ उसको सुकून मिलेगा।
अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम भी तो कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा हम सफ़र है तो क्या ही बात है। Let me see.